जब दोनों दल के मतलब कौरव एवं पांडव, अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे, सारे योद्धा मारे जा चुके थे, और मृत योद्धाओं को उनकी उचित गति प्राप्त हो गई थी। जो योद्धा मारे गए थे उनको उचित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, तो दुर्योधन भी मरा नहीं है और अश्वत्थामा भी जिंदा है, दोनों। तो दुर्योधन मरा नहीं था, तो दुर्योधन के प्रहार से वो गिर पड़ा था धृतराष्ट्र के पुत्र, क्षमा कीजिए, भीमसेन के प्रहार से। तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने क्या किया, अश्वत्थामा जिनका नाम है, तो उन्होंने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को सिरों को पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्तवश उन्हें उपहार स्वरूप, उपहार का मतलब भेंट उनको देने जा रहे, वे सोचते हुए अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, दुर्योधन जो है प्रसन्न होगा, ये सोचते हुए उन्होंने उनको वो भेंट कर रहे थे। लेकिन वहां पे देखा गया है कि जो दुर्योधन था, जबकि असुरी पर्वती का है, लेकिन फिर भी वो रणभूमि की जो नीति है, युद्ध की जो नीति है, फिर भी थोड़ा बहुत जानता था। तो वो जो है अश्वत्थामा से प्रसन्न नहीं हुए, दुर्योधन अश्वत्थामा से वो प्रसन्न नहीं हुए, उनसे नाराज थे कि उनको सोते हुए पुत्रों को कभी नहीं माना चाहिए। तो ये छह प्रकार के आतताई बताए गए हैं कि जो किसी की पत्नी को उठा ले जाए और किसी के घर में अग्नि लगा दे, आग लगा दे, और किसी की संपत्ति हड़प कर ले, इस तरह किसी की हत्या कर ले, तो ये छह प्रकार के आतताई बताए गए हैं, है ना। तो अश्वत्थामा जो था वो भी, उसको भी यहाँ पर आतताई कहा गया क्योंकि उन्होंने सोते हुए पुत्रों को मारा था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप जो है इनको मार डालो, अश्वत्थामा को, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को मार डाला। तो अर्जुन जो था उन्होंने द्रौपदी को वचन देकर वो पूरे अपने साज सामान के साथ सारे हथियार लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए निकलता है, और द्रौपदी को ये वचन देता है कि मैं जब तक इनका सर कलम करके, इनका सर काट कर आपके चरणों में नहीं रख देता, तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने वचन देकर वो निकल पड़ते हैं। तो वहां पर अश्वत्थामा जो है वो जब देखते हैं कि अर्जुन इस तरीके से मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा जो है डर जाते हैं, तो वो भी अपने घोड़े पर बैठ कर और भागते हैं डर के मारे। और जब भागते हैं तो भागते भागते जब घोड़ा थक जाता है, तो फिर वहां पर जो है अश्वत्थामा जो है वो चिंतित होते हैं। तो फिर कोई उपाय नहीं रहा, तो विकल्प ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का जो प्रहार मंत्र पढ़े थे, वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने प्रकट तो कर लिया, लेकिन वापस लेने का उसके पास मंत्र नहीं था, ऐसा भागवत में लिखा है। तो वहां पर फिर उस ब्रह्म अस्त्र का तेज जो है बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो पूरा विनाश कर देता है। जैसे रावण को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था भगवान राम ने, है ना, उसके आगे जो है वो एक सांप जैसा नाग रहता है, और ऐसे भी बताया गया है कि उसके जो जो डोरी होती है, डोरी के ऊपर जो हम उसको रखकर चलाते हैं खींचकर, तो वहां पर जो है वायु देवता, अग्नि देवता ये बैठे होते हैं, ये बैठे थे जब रावण को भगवान राम मार रहे थे। ब्रह्मास्त्र की वहां पे महिमा बताई गई है, और इतना शक्तिशाली रहता है वो, और बहुत ही तेज होता है, इसे जो सब जला देता है। तो ये ब्रह्मास्त्र जब उन्होंने छोड़ा, तो अर्जुन जो है वो चिंतित होने लगा। तो अर्जुन ने जो है फिर वो आगे आएगा, आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें अर्जुन एक श्लोक बोलता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं। तो आठ श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने वंदना की है कि आप ही सर्वशक्तिमान है,
आप ही सुप्रीम डायरेक्टर हैं, और इस तरीके से भगवान के बारे में गुणगान करते हैं अर्जुन, भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है फिर वो अर्जुन की वहां पर रक्षा करते हैं इतना। तो ये एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था। तो वहां पर जो है फिर अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम इसको मारो। लेकिन वहां पर बाहर से भगवान श्री कृष्ण, यहां पर एक शिक्षा दी गई है कि बाहर से श्री कृष्ण उनको मारने के लिए कह रहे हैं नीति के अनुसार, लेकिन अंदर से वो कह रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण है और इनका गुरु भी है, गुरु पुत्र है ना। तो और क्या उनको शिक्षा दी थी, जैसे मार्शल आर्ट होता है ना, धनुर्विद्या है ना, इसकी शिक्षा दी थी। तो जिस गुरु से हम शिक्षा लें, ऐसी शिक्षा इसमें ये भी आती है कि उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। जिस गुरु से भी हमको भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त होती है, उस भक्त को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उनका ऋणी होना।